वालेकुम। आज हम ऑनियन ग्रेवी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने लिया है ऑनियन 2 टेबलस्पून लेंगे, ऑनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर भी मैंने लिया है, और चिकन क्यूब्स, या आपके पास अगर चिकन स्टॉक है तो वो बहुत ही बढ़िया है। तो अभी मेरे पास चिकन स्टॉक नहीं था तो मैंने ये क्यूब्स ले लिए, इसके भी चिकन स्टॉक बना लेते हैं। ये काली मिर्चा है, और ये मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, और ये मैंने मैदा लिया है। अब मैं बनाने जाऊँ, बटर डाल दिया थोड़ा सा, और ये मैंने मैदा डाल दिया 2 टेबल स्पून, ताकि इसका कच्चापन निकल जाएगा और उससे अच्छा टेस्ट आएगा। और आप लोग देखें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और उससे ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ होंगी, नई वीडियोज़ आप लोग तक पहुँच जाएंगी, और आप लोग इसका बिल्कुल लुत्फ़ उठाएं। मेरे खाने बहुत टेस्टी, आप देखिए बना के, आप लोग को मज़ा आ जाएगा खा के, और बना के बनाने में ही इंजॉय हो जाता है सबसे ज़्यादा। तो इंजॉय करें और बिल्कुल मुझे याद ज़रूर करें दुआओं में, और मेरी रेसिपीज को ज़रूर शेयर करें। और देखें, ये देखिए मेरा मैदा भुन गया है इस तरह से, इसी में ये देखिए मैदा भुन गया मेरा। अब इसी में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑनियन पाउडर डाल देंगे, एक इसी में हम 1 टेबल स्पून ऑनियन पाउडर डाल देंगे। ये देखिए 1 टेबल स्पून ये मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाल दिया, और उसके बाद इसी में हम पानी डाल देंगे, क्योंकि ये जो थोड़ा सा थिक थिक होता है तो उसको हम थोड़ा सा मैश कर देंगे, ताकि अनियन भी भुन जाएगी और गार्लिक भी थोड़ा सा अच्छी स्मेल आ जाएगी इसमें भी। और ये देखें ये हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे पानी। अब इसमें पानी डाल के इसको हम बॉईल करेंगे, और इसी में हम क्यूब्स डाल देंगे, ऐसे ही चलाते जाएं। और ये मैंने 2 क्यूब्स ले लिए हैं, देखिए ये मैंने इसमें डाल दिए, ताकि ये स्टॉक के का बराबरी करेगा। और इसमें ये मैं इसको चलाती जाऊंगी ऐसे, जब ये बॉईल होने लगेगा तब मैं इसमें इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर डालूंगी। मैं जितनी आपको थोड़ा सा चाहिए काली मिर्चा, मैं तो 1/2 टीस्पून के करीब डाल ली हूँ, ये देखिए, ताकि इससे फ्लेवर अच्छा आता है। देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, जितना से गाढ़ा हो जाता है बस नहीं डालूंगी, तो सही है ना, इतना थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, ताकि आप इसको एज अ सॉस यूज कर सकें। इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे, और ये मेरा रेडी हो गया सूप, ये ऑनियन सॉस। देखिए इसको इस तरह से मिक्स करते रहें, और ये इसमें देखिए मैंने सॉल्ट बिल्कुल नहीं डाला है। अब आपको अपने हिसाब से कैसा लगता है आप डाल सकते हैं। रोजमेरी का है, इसके अंदर रोजमेरी भी डाल देंगे, बस इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और ये तैयार हो गया है ऑनियन सॉस, ये देखिए आप, ने गैस बंद कर दिए। अब आप इसको स्टेक के साथ खाएं, और आपकी मर्जी है वैसे खाएं, वैसे बहुत टेस्टी है, खा के देखिए मज़ा आ जाएगा आपको।